हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज बात करेंगे आपके लिए बेहद ही एक खास सूचना लेकर आया हूँ। जो भी स्टूडेंट अप्रेंसिप करना चाहते थे, उनके लिए कुछ वैकेंसी निकली हुई है जो हैदराबाद से निकली हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये अप्रेंसिप के लिए निकली है 1 ईयर या 2 ईयर के लिए। तो जो भी व्यक्ति अप्रेंसिप करना चाहता है, ये आवेदन ज़रूर भरे। तो मैं आपको किस तरह से आवेदन भरा जाएगा, ये मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो हमारी पूरी वीडियो देखें वो फ्रेंड। तो चलते हैं आगे, मैं बताता हूँ कितनी पोस्ट क्या है इसमें। तो जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें अप्रेंसिप के लिए निकली अलग अलग ट्रेडरों से अलग अलग पोस्ट। तो नीचे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इतने सारे ट्रेड दिए हुए हैं, फीटर, टर्नर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग अलग कोपा, फील्डर, प्लम्बर। तो फीटर के लिए 60 पोस्ट निकली हुई है इसमें, टर्नर के लिए 10 पोस्ट और मैकेनिकल के लिए 1 और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसियन के लिए 50 पोस्ट। तो इसमें अलग अलग ट्रेड दिए हुए हैं और उसके आधार पर पोस्ट निकलाई गई है। जो मार्सिक मंथ मिलता है, जो अप्रेंसिंग के टाइम, जो तो इसमें ये कि ट्रेड के लिए इन्हें 8655 पर मंथ दिया हुआ है, और बाकी कोपा वाले के लिए और वेल्डर वाले के लिए उन्होंने 7684 दिया हुआ है। और जो अप्रेंसिप का टाइम दिया हुआ है, 1 ईयर और 2 ईयर दिया हुआ है, अलग अलग ट्रेडों के हिसाब से दिया हुआ। और एज की बात करें फ्रेंड, तो एज इसमें 14 ईयर से स्टार्टिंग आप भर सकते हो उसका फॉर्म। और इसमें आई टी आई किसी भी ट्रेड से आप भर सकते हो ऐसा। और आगे चलते हैं, ये एक ऑफलाइन आवेदन है फ्रेंड, ये जरूर ध्यान दें। और जिसमें ये ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जाए, ये ऑफलाइन आवेदन है। इनके जो एड्रेस पे आवेदन दिया हुआ है, जो आवेदन सबमिट करके आप भर के उसको पोस्ट ऑफिस के आपसे जो एड्रेस दिया हुआ, उस एड्रेस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पहुँचाने हैं। और मैं आपको नीचे और जानकारी दे देता हूँ, ये दिया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप अप्लाई करें। तो इन्होंने ये एड्रेस दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में ये एड्रेस डाल के आप इसको आवेदन भेज सकते हैं इस पते पे। जैसा कि इसमें किस क्यों क्या चीज़ मंगी हुई है इनने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड। तो इन्होंने मंगा है उसमें आधार कार्ड, ई आधार कार्ड कॉपी भी हो सकता था, और SSC सर्टिफिकेट और ITI सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, PW वाला जो सर्टिफिकेट है वो भी आप हो तो आप लगा सकते हो। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 मंगे हुए हैं इसमें। और जो प्रूफ, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है पोर्टल पे, जो आवेदन दिया हो वो आवेदन भी भर के आप इसमें सबमिट करें। और इसकी डेट, लास्ट डेट की बात करें रिसीप की, तो 28/9/2018 को उसकी लास्ट डेट है। तो इस तरह से आप इसको आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ अप्रेंसिप का, ट्रेड अप्रेंसिप। आप अपन ट्रेड ऊपर आपको सबसे पहले आपका ट्रेड नेम लिखना है, और फिर एक फ़ोटो चिपकाना है इस पर आपको, और जिस डिपार्टमेंट से निकली है उस डिपार्टमेंट का नाम, और आपका कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखना है, और आपका फादर्स, मदर्स नेम, जनरल, डेट ऑफ बर्थ, एज, और भी कैटेगरी वगैरह, आधार कार्ड, मेरिड, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये फिजिकल यस या नो, और आपकी हाइट, वेट, और लास्ट में क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन दोनों आपको सबमिट करके इसमें प्लेस ए डेट सिग्नेचर कैंडिडेट के नाम लिख के आप उसको इसके एड्रेस पे आप इसको पोस्ट ऑफिस द्वारा पहुंचा सकते हैं। तो ये फ्रेंड ऑफलाइन आवेदन होगा आपका, ये ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा, ये आप ध्यान जरूर रखें। ये इसमें आप, मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में, आपको मैं इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूँगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को, आवेदन को डाउनलोड करके आप इसे डाल सकते हैं फ्रेंड। तो दोस्तों, इसमें टोटल पोस्ट जो निकली है वो 250 पोस्ट रहेगी, जो हर सब ट्रेड के मिलाकर है। तो इसमें अलग अलग ट्रेड की अलग अलग पोस्ट दी हुई है। तो फ्रेंड आप देख लें इसको अच्छी तरह से, इसको आपको इसका नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ने के बाद इसका ऑफलाइन आवेदन कर दें। इसकी जो लास्ट डेट है फ्रेंड वो 28 तारीख लास्ट डेट है। तो दोस्तों, जो भी अप्रेंसिप करना चाहता है वो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें। तो चलते हैं दोस्तों आज की हमारी
इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबा के ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन आपको वीडियो मिलती रहे तुरंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।